हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 12th के बायोलॉजी में चैप्टर 5 का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था मानव की रुधिर वर्ग की वंशागति। इसके आगे का टॉपिक अब हम सब अध्ययन करेंगे। वीडियो को चालू या अध्ययन करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले ये चीज़ हम जरूर जान लें कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा और हमारे ग्रुप के जो अन्य विषय पढ़ा रहे हैं सभी का मनोबल बढ़ता रहे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। आज का हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण। आज का हमारा टॉपिक है जीवों में लिंग निर्धारण। जीवों में लिंग निर्धारण, निसेक्स डिटर्मिनेशन। जीवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो जीवों में लिंग निर्धारण गुण सूत्रों के माध्यम से होता है। तो गुण सूत्र की बात की जाए तो गुण सूत्र जो होते हैं मानव में, जैसे पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण, तो गुण सूत्र मानव में जो पाए जाते हैं गुण सूत्रों की संख्या उनमें 46 होती है। हम यहाँ 46 उनकी संख्या 46 होगी या हम कह सकते हैं 23 जोड़ी। मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या 46 होती है या 23 जोड़ी। अब 46 में जो गुणसूत्र होते हैं मानव में 22 जोड़ी जो होती है, 22 जोड़ी या हम कह सकते हैं 44 गुणसूत्र, जो 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं देहिक या कायिक गुणसूत्र। क्योंकि गुणसूत्र दो प्रकार से पाए जाते हैं, इनमें देहिक या कायिक गुणसूत्र। मानव में जो 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं देहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी जो होती है, एक जो जोड़ी गुणसूत्र होती है वो होता है लिंग गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है या हम 22 जोड़ी कहें, तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं देहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। नर या मादा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनमें 22 जोड़ी वाले गुणसूत्र एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं पाया जाता है। लेकिन एक जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, उनमें अंतर पाया जाता है। जो नर या पुरुष में पाया जाता है वो पाया जाता है एक्स वाई, और जो स्त्री में पाया जाता है वह पाया जाता है एक्स एक्स। इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से ही हम लिंग निर्धारण करते हैं कि कौन सा गुणसूत्र मिलेगा तो स्त्री होगी, कौन सा मिलेगा गुणसूत्र तो पुरुष होंगे। तो हम देहिक गुणसूत्र जानते हैं कि 22 जोड़ी होती है देहिक या कायिक होती है, ये दोनों में समान होती है, स्त्री और पुरुष में अलग नहीं होते देहिक या कायिक गुणसूत्र, वो अलग है। लेकिन एक जोड़ी जो गुणसूत्र होती है उनमें अलग होते हैं, पुरुष में होता है यक्ष वाई और मादा में होता है, पुरुष में और स्त्री में होता है यक्ष यक्ष गुणसूत्र। अब इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से हम लिंग निर्धारण देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे मानव में लिंग निर्धारण। अब हम सब देखेंगे यक्ष यक्ष वाई व एक्स एक्स गुणसूत्र द्वारा, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। तो अधिकतर यह जंतुओं में होता है, हम बात करें मानव की तो मानव में पाया जाता है
गुणसूत्र नर में पाया जाता है यक्ष वाय और मादा में पाया जाता है यक्ष, इसके द्वारा लिंग निर्धारण। तो हम लिखेंगे पुरुष के लिए जो गुणसूत्र लिखते हैं वो लिखते हैं यक्ष वाय, और स्त्री के लिए जो हम गुणसूत्र लिखते हैं यक्ष यक्ष। अब इसे हम क्रॉस कराएंगे, ये हैं इनके जनक, इनसे युग्मक बनता है, युग्मक बनते समय इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है इनकी कोशिकाओं में, यह सब बता दिया गया है, और ये आधे आधे चले आते हैं इसमें। तो यक्ष वाई इसी तरह इधर भी होगा यक्ष और यक्ष, ये इसके युग्मक बने, मतलब युग्मक नर में जो नर युग्मक होता है उसको हम शुक्राण बोलते हैं, और मादा यानी स्त्री में जो मादा युग्मक होता है उसको हम सब अंडाण कहते हैं। शुक्राण और अंडाण गुणसूत्रों के माध्यम से मिलेंगे तो कैसे संतान उत्पन्न होंगे या कैसे लिंग निर्धारण किया जाएगा कि स्त्री होगी पुरुष, तो गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। जैसे जब यक्ष यक्ष गुणसूत्र आपस में मिलेंगे तब बनेगा यक्ष यक्ष, ये भी मिलेंगे तो यक्ष यक्ष, ये मिलेंगे तो यक्ष वाई, और ये मिलेंगे जब यक्ष वाई, मतलब यक्ष यक्ष पाया जा रहा है तो ये क्या है स्त्री है, ये भी स्त्री है, और यक्ष वाई पाया जा रहा है तो ये भी, ये क्या है पुरुष है, ये क्या है पुरुष है। यानी जो 50% सन होंगे वो भी 50% होंगे, और जो डॉटर होंगी वो भी 50% होंगी। जब यक्ष यक्ष वाले गुणसूत्र मिलेंगे तब स्त्री होगी, जब यक्ष वाई वाले गुणसूत्र मिलेंगे तब पुरुष होंगे। इसी द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है, मानव में लिंग निर्धारण इसी तरह होता है, जब यक्ष यक्ष वाले गुणसूत्र मिलेंगे तब स्त्री होगी, और जब यक्ष वाई के गुणसूत्र मिलते हैं आपस में तब नर का जन्म होता है। अब हम सब देखेंगे कुछ और जंतुओं में, जैसे कि अब हम सब देखेंगे यक्ष वाई वाला हो गया, अब हम सब देखेंगे यक्ष जेड डब्लू और जड जड द्वारा गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। तो यह होता है तितलियों में, उदाहरण ये गुणसूत्र पाए जाते हैं तितलियों में होता है और माथ में होता है, इनमें लिंग निर्धारण होता है। तो इनमें होंगे नर और मादा, उसी तरह हम लिखेंगे तो ये होता है तितलियों और माथ में। कुछ और जीव हैं जैसे शहरी सरीप जितने भी जीव हैं रेंगने वाले उनमें, तो जड और जड ये होता है नर के लिए, जड डब्लू ये होता है मादा का गुणसूत्र। इनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, वैसे होगा ये इसके जनक हैं जड जड, इनके ये युग्मक बने, इनमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये होता है जड 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 डब्लू जड जड और क्या है जड डब्लू। तो जड जड होंगे तो क्या होते हैं नर होते हैं, जड डब्लू ये मादा, जड है जड जड है ये नर होंगे, और ये होंगे मादा। जब ये आपस में मिलेंगे तो जो इनमें लिंग निर्धारण होगा जड जड जब पाया जाएगा गुणसूत्र तब बनेंगे नर,
और जब जेड डब्लू पाया जाएगा, क्योंकि इसमें एक विषम इंग्रजी है, एक अन्य जो पाया जा रहा है जेड डब्लू पाया जा रहा है, तो इनमें भी जो बनेंगे वो बनेंगे मादा, यानी 50% ये भी होंगे और 50% ये भी होंगे। अब इसके बाद आता है तो जीवों में लिंग निर्धारण इसी तरह होता है। अब कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें गुणसूत्र जो होते हैं अगुणित होते हैं और द्विगुणित होते हैं, तो उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो हम देखेंगे अगुणित व द्विगुणित गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। अगुणित मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी पाई जाती है, तो इनको यन से प्रदर्शित करते हैं। द्विगुणित जिनमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण पाया जाए, तो उनको टू यन से प्रदर्शित करते हैं। अगुणित या द्विगुणित गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किनमें होता है, तो यह होता है मधुमक्खी में, और चींटियों में। अगुणित व द्विगुणित गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है तो मधुमक्खियों और चींटियों में होता है। तो मधुमक्खियों और चींटियों में, तो हम उदाहरण देखेंगे मधुमक्खी के बारे में। तो मधुमक्खी के एक छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, एक रानी मक्खी होती है और श्रमिक मक्खी होती है, और एक होता है नर ड्रोन मक्खी। रानी मक्खी, एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी मक्खी पाई जाएगी, और बाकी जितनी मक्खियाँ होती हैं श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, और एक मक्खी पाई जाती है नर ड्रोन मक्खी। और रानी मक्खी का काम जो होता है छत्ते में, तो उसका काम केवल होता है श्रमिक मक्खी या नर ड्रोन को जन्म देना, बस केवल उसका काम होता है। नर ड्रोन का क्या काम होता है, तो नर ड्रोन का काम होता है केवल रानी मक्खी को निषेचित करके श्रमिक मक्खियों को जन्म देना, और इसी तरह ये लिंग निर्धारण करते हैं। तो देखें हम कि एक मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, एक पाई जाती है रानी मक्खी, एक पाई जाती है श्रमिक मक्खी, और एक पाई जाते हैं नर ड्रोन। तीन प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं मधुमक्खी के एक छत्ते में। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, यानी आधा होती है। हम लिंग निर्धारण कैसे कर रहे हैं, तो अगुणित और द्विगुणित गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कर रहे हैं। तो अगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या जब आधी हो, द्विगुणित मतलब गुणसूत्रों की संख्या जब पूर्ण हो, तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं 2n, इसको भी 2n और इसको nn से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो इनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इनमें लिंग निर्धारण होता है जैसे बताया गया कि रानी मक्खी नर ड्रोन से जब निषेचन करेगी जब उसको श्रमिक मक्खी को जन्म देना होगा, और या रानी मक्खी को जन्म देना होगा। अगर नर ड्रोन को उसको जन्म देना है तो बिना निषेचन के ही वह नर ड्रोन को जन्म दे देती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये रानी मक्खी है और नर ड्रोन, जब ये आपस में मिलेंगे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2n, इसके लिए लिख सकते हैं यन। इनकी कोशिकाओं में, इसकी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर 2n है तो हो जाएगा यन। अब यहाँ पर क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 है, यन है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 है, अब इसमें हम अर्धसूत्री विभाजन ना करा सकते हैं, क्योंकि हम किसी में गुणसूत्रों की संख्या आधा नहीं होगी, किसी में गुणसूत्रों की संख्या 16 का आधा 8 नहीं होगा, यानी n / 2 नहीं कर सकते,
इनमें ना हम इनकी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन ना कराते, हम कराते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन, तो ये केन यहाँ आ गया। अब नर ये इनके युग्मक हो गए। अब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिले तो बने टू यन, और टू यन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो श्रमिक मक्खी को बनाएंगे। रानी मक्खी और नर ड्रोन जब आपस में निषेचन क्रिया करते हैं तो या तो वो श्रमिक मक्खी को जन्म देंगे या तो नर मक्खी को रानी मक्खी को जन्म देंगे, क्योंकि इनमें ही पुरुषोत्तरों की संख्या क्या पाया जाते टू यन यानी 32। तो या तो कितना श्रमिक मक्खी को जन्म देंगे या तो रानी मक्खी को जन्म देंगे। नर और ड्रोन का जन्म कैसे होगा, तो नर और ड्रोन का जन्म रानी मक्खी बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही ये नर ड्रोन को जन्म दे देती है। तो मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है, जिनमें एक होती है रानी मक्खी, एक होता है नर ड्रोन और होती हैं बाकी श्रमिक मक्खियाँ। रानी मक्खी का काम क्या है, तो नर ड्रोन से निषेचित कर श्रमिक मक्खियों और रानी मक्खी को जन्म देना। नर ड्रोन का काम क्या है, तो इसका काम केवल होता है रानी मक्खी को निषेचित करना। और रानी मक्खी को जब नर ड्रोन को जन्म देना होगा तो बिना निषेचन के वह जन्म दे देती है। इसी तरह निर्धारण होता है आगुणित व द्विगुणित गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। अब इसके बाद का टॉपिक आता है कि अगर गुणसूत्रों की संख्या किसी जीव में बढ़ जाए तब क्या रोग होगा, तो क्या हो सकता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या घट जाए तो क्या हो सकता है, तो इससे होते हैं रोग। अब हम एक कुछ रोगों को देखेंगे। लिंग निर्धारण के बाद हमारा टॉपिक था कि मानव अनुवांशिकी में जो था अनियमितता क्या है, कि इनमें क्या होता है कि मानव में अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या घट जाए तो क्या होगा। तो मानव की गुणसूत्रों में अगर संख्या बढ़ जाती है तो उनमें क्या होता है, वो रोगी हो जाते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है तब भी रोगी होंगे। इनको हम दो माध्यमों से अध्ययन करते हैं, जैसे कि जब हम लिखते हैं एकाध सूत्रता होती है इनके गुणसूत्रों में और एकल सूत्रता। एकाध सूत्रता और एकल सूत्रता, एकाध सूत्रता क्या होती है, जब मानव में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम एकाध सूत्रता कहते हैं। जब मानव में गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है तो उसको हम एकल सूत्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जा रही है, इनमें एक गुणसूत्र बढ़ गया तो 47 हो गया। अगर 47 गुणसूत्र हो गया तब व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। अगर मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जा रही है, उन्हीं में से एक कम हो जाए तब क्या हो जाएगा, इसको एकल सूत्रता कहेंगे, तब भी मानव क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। तो अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो मानव रोगी हो जाता है। तो एकाध सूत्रता जब कब होती है, जब मानव में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। एकल सूत्रता कब होती है, जब मानव में एक गुणसूत्र कम हो जाए। तो हम सब देखेंगे कुछ रोग जो मानव में हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों में एकाध सूत्रता से होने वाला रोग। गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता होती है तब कौन से रोग होते हैं, और हम सब अध्ययन करेंगे। जानते हैं कि गुणसूत्र दो प्रकार के पाए जा रहे हैं मानव में,
देहिक या काय गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। तो हम सब पढ़ेंगे जब देहिक या कायिक, देहिक या कायिक गुणसूत्रों में हम देखेंगे देहिक या कायिक गुणसूत्रों में जब एकाध सूत्रता होती है तब कौन सा रोग होता है। जानते हैं कि मानव में देहिक या कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 44 होती है या 22 जोड़ी में पाए जाते हैं। तो पहला रोग है डाउन सिंड्रोम रोग। देहिक या कायिक गुणसूत्रों पर जो पहला रोग हम सबको अध्ययन करना है वो डाउन सिंड्रोम रोग। इस रोग में क्या है, देहिक या कायिक गुणसूत्रों पर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। यह रोग कब होता है, जब एक सोहे जोड़ी पर गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता होती है। डाउन सिंड्रोम रोग कब होता है, जब एक सोहे नंबर पर गुणसूत्रों की संख्या में क्या होते हैं, एकाध सूत्रता होती है, गुणसूत्र बढ़ जाता है। जानते हैं देह क्या काय गुणसूत्र 22 जोड़ी पाया जा रहा है, तो एक सोहे नंबर पर याद रखेंगे ये जोड़ी की किस जोड़ी पर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी, एक सोहे पर जोड़ी पर जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है तो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम रोग से ग्रसित हो जाता है। मान लीजिए 46 पाया जा रहा है तो इनमें बढ़ गया तो गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इक्कीस नंबर जोड़ी पर बढ़ेगी, 22 पाए जाते हैं, 22 में 21 नंबर पर जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है तो मानो डाउन सिंड्रोम रोग से ग्रसित हो जाता है। अब इस रोग का लक्षण क्या है, तो इस रोग के लक्षण क्या है, इस रोग के से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे। तो व्यक्ति का जो सिर होता है भारी होता है, व्यक्ति का सिर जो होगा भारी होगा, अल्प बुद्धि वाले होंगे, अल्प बुद्धि, सिर भारी, होंठ होंगे जो वो लटके हुए होंगे, होंठ होंगे जो लटके हुए होंगे, होंठ लटके हुए, गर्दन जो होगी चौड़ी, नाक जो होगा चपटा और आकार में मंगोलियन जैसे होंगे, इसीलिए इसे मंगोलियन रोग के भी नाम से भी जाना जाता है, मंगोलियन रोग के नाम से भी जाना जाता है और जड़त बुद्धिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें कम बुद्धि पाई जाती है और मंगोलियन जैसे होंगे। आज इनके लक्षण होते हैं जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। डाउन सिंड्रोम रोग की खोज किसने की थी, तो की थी लैंगडन डाउन ने, डाउन सिंड्रोम रोग की खोज की थी, इसके बारे में पता लगाया था। तो डाउन सिंड्रोम रोग में क्या होता है, जब गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता होते है, किस गुणसूत्र में, तो 21 नंबर जोड़ी पर जब गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता होती है तो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम रोग से ग्रसित हो जाता है। डाउन सिंड्रोम रोग, बस आज तक हम इसी रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके आगे का जो है वो है प्लाउ सिंड्रोम रोग और एडवर्ड सिंड्रोम रोग। इन सब रोगों को अगले वीडियो में हम सब अध्ययन करेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या में जब एकाध सूत्रता हो जाएगी तब तो कौन कौन से रोग होते हैं।